from I am giving this exam from past 3 years, and this is one of the most typical typical paper this year, because in history they at least given about 20-25 questions. 20 questions of history. Oh my god. And economics also 20. There are some equalized, but this time environment and both environment and ecology and science and tech has little bit less than comparable to last 3 years. So it is one of the most typical from current, last 3 years. Current affairs? Current affairs are too much, or current affairs, not literally current affairs. They are asking deep of the current affairs. What about geography? Geography less, less. I think 2 or 3 questions. Polity, Indian polity? Polity, good one and a simple one. But all over history and economics are best. Both are applied, nothing direct. Yeah. जी, my name is Harshad Ali. Paper कैसा आया था? हिंदी medium से, और वो paper मतलब ज़्यादातर वो तो concept based था. अगर आपका concept clear है तो ही आप इसमें थोड़ा सा solve आप कर सकते हो. Factual based वैसे भी UPSC में कोई जगह आया नहीं UPSC के लिए, और quality के question थे वो भी, quality के जो भी ज़्यादातर question थे वो fact बिल्कुल नहीं थे. कॉन्सेप्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो, और एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन थे वो भी कॉन्सेप्ट दे. जोग्राफी से कैसे क्वेश्चन आए थे? जोग्राफी से कुछ थे, मतलब एनवायरनमेंट के थोड़े से एनवायरनमेंट थे क्वेश्चन. करंट अफेयर थे? करंट अफेयर भी थे, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक था. पेपर फॉलो द ट्रेंड, अपना जो ट्रेंड है उनका वही चल रहा था. ट्रेंड हाँ कह सकते हैं चल रहा है. मॉडरेट टू hard and 65 to 70 attempts have been done, have done approximately. That's it. Current affairs से कैसे क्वेश्चन आए थे? Quite precise and to the mark. Geography से? Yes, it was quite more number of questions in geography and history, I guess. इकॉनमी और पॉलिटी से? पॉलिटी इक्वल आई गेस, पॉलिटी एंड दैट पॉलिटी एंड इकॉनमी यस इक्वल. क्वेश्चन आर कंसेप्चुअल और फैक्चुअल? कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल एज वेल, बोथ बोथ ऑफ देम. बताइए. मेरा नाम जुगेंद्र सिंह है. मैं ये पेपर पहली बार दे रहा हूँ. अच्छा. लेकिन इसमें मैंने जो पहले के पेपर देखे उसमें ये पेपर बिल्कुल अलग है. ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन स्टैटिक के हैं. वही बच्चा कर सकता है जिसको डीप नॉलेज है. जैसे कि पहले आते थे करंट आता था, इसमें करंट भी कुछ नहीं आया. सारे क्वेश्चन डीप नॉलेज वाले हैं और इसकी मेरिट कम जाने की संभावना है. करंट अफेयर से ज्यादा नहीं आया? हिस्ट्री से? करंट अफेयर का एक दो सवाल आया. हिस्ट्री से भी सारे स्टैटिक के हैं और डीप स्टडी वाले हैं. सुमंत कुमार पात्रा. पेपर अच्छा था लेकिन कल्चर से रिलेटेड तो थोड़ा ज्यादा आ गया था. और सब ठीक है. ज्योग्राफी से कैसा आया था? ज्योग्राफी सही था. इकोनॉमी पॉलिटी ये सब सही थे. कल्चर हिस्ट्री का कल्चर थोड़ा ज्यादा था. करंट अफेयर्स? करंट अफेयर सही था. जैसे हर साल आता है? हाँ, जैसे हर साल आता है. तो नथिंग सरप्राइजिंग इन द पेपर? ना, नथिंग सरप्राइजिंग. व्हाट अबाउट द फंडामेंटल्स एंड डीप रूटेड थिंग्स? फंडामेंटल्स जो बेसिक्स थे वही पूछे हैं. अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो ठीक होगा. ऐसा कुछ अलग सा नहीं पूछा. सूरज. सो बेसिकली पेपर वॉज प्रीटी मच गुड एंड हिस्ट्री से क्वेश्चन थे अच्छे खासे थे. अच्छा आया. बाकी ट्रेंड तो पूरा इन्होंने फॉलो वैसे ही किया है और ऐसे कुछ और डिफरेंस नहीं था. करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन थे अच्छे थे. ज्योग्राफी से भी थे. तो कोई बेसिक सरप्राइजिंग एलिमेंट था पेपर में? नॉट एग्जैक्टली. एनवायरमेंटल से ज़्यादा क्वेश्चन थे क्या? एनवायरमेंटल से भी अच्छे क्वेश्चन थे. Okay. कह सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे. लेकिन हाँ, हिस्ट्री से काफ़ी थे क्वेश्चन. मॉडर्न से थे कि एंशियंट से थे? एंशियंट से काफ़ी थे. एंशियंट से.